मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र के 45% वादे पूरे कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता है। क्षेत्रों में रहने वाले से यही कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा हमारी सरकार जिस तरह से किसान कल्याण के लिए, किसान की योजनाओं के लिए, आपने देखा होगा हमारी कोई भी योजना हो, वो किसान से संबंधित योजना है, अगर किसान को पानी मिलेगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। हमने आते ही ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देने का काम किया, हमने उसमें समझौता करने का काम किया और हमारी ईआरसीपी की योजना का काम हमारा प्रारंभ हुआ है। हमारे पुराने तेरह जिले नए 21 जिले उसमें आ रहे हैं, अभी भी हम लगातार काम कर रहे हैं, उस योजना के काम हमारे प्रारंभ भी हो गए हैं। किसानों की पशुओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है, सभी जगह अस्पताल नहीं है, पशु अस्पताल, इसलिए हमने पशुओं को शीघ्र चिकित्सक सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटनरी इकाइयां खोलने का काम भी हमने किया है। आप देख रहे होंगे कि आप जैसे ही फोन करोगे तो आपके यहाँ वो डॉक्टर पूरी एम्बुलेंस लेकर के आ जाएगा, आपकी गाय भैंस जो भी है उसका इलाज करने का। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आपने देखा होगा हमने किसानों से वादा किया था कि हम आपकी एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे, हमने 2275 रुपए से 1,250 रुपए बढ़ा करके किसान की एमएसपी 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया, और वह इसलिए किया हम आचार संहिता का भी बहाना दे सकते थे, लेकिन हमने कहा कि मार्च के महीने में किसान की फसल आती है, किसान हमारा फसल को रोक नहीं सकता, वो फसल को बेचता है, इसलिए किसान को फायदा मिलना चाहिए। तो पहले ही कैबिनेट में हमने इसका निर्णय किया और किसान को फायदा देने के लिए सबसे पहले हमने वो एमएसपी बढ़ाने का काम किया।